हर हर महादेव दोस्तों, आज हम जानेंगे शिव जी के वह पांच दिव्य अवतार जिससे हर मनुष्य के सभी कष्ट दुख और मनुष्य के जीवन में उत्पत्ति आएगी। भगवान शिव ने स्वयं बताया है कि हमारे वह पांच अवतार हैं जिससे मनुष्य का सदा कल्याण होगा, और जो भी मनुष्य हमारे इस पांच अवतार को जान लेगा और उसकी पूजा करेगा उसके जीवन से सदैव ही दुख रोग कष्ट और अब उनके जीवन में सदैव ही खुशियां भरी रहेगी। एक समय की बात है, आदि देव भगवान शिव जी ने वह मुख्य पांच अवतार लिए थे जो शायद आप सभी को पता नहीं होगा। सूत जी बताते हैं कि भगवान शिव के वह पांच दिव्य अवतार जिनसे सज्जनों का कल्याण शिव जी द्वारा किया गया है, तो आज हम उसी चीज को जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको वीडियो हमारा सबसे पहले मिले। एक समय सौनक जी सूत जी से बोले, हे सूत जी, आप हमें भगवान शिव के वह दिव्य अवतार के बारे में बताएं जिससे हर मनुष्य का कल्याण हो। तब सूत जी बोले, हे सौनक जी, यही बात पूर्व में सनत कुमार जी ने परम शिव भक्त नंदीश्वर से पूछी थी। तब नंदीश्वर ने भगवान शिव के चरणों का स्मरण करते हुए कहा, हे मुने, भगवान शिव तो सर्वव्यापक हैं और उनके असंख्य अवतार हैं। श्वेत लोहित नामक 19वें कल्प में शिव जी का सदोजात नामक अवतार हुआ था, यही शिव जी का प्रथम अवतार कहा जाता है। उस कल्प में पर ब्रह्म का ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी का शिखा से श्वेत लोहित कुमार उत्पन्न हुए। तब सदोजात को शिव अवतार जानकर ब्रह्मा जी प्रसन्नता पूर्वक उनका बार बार चिंतन करने लगे। ब्रह्मा जी को चिंतन से पर ब्रह्म स्वरूपाचार्य यशस्वी ज्ञान संपन्न कुमार उत्पन्न हुए। उनके नाम सुनद, ननद, विश्वनंदन और उपनंदन थे। तब सदोजात भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को परम ज्ञान प्रदान किया तथा इस सृष्टि को उत्पन्न करने की शक्ति उन्हें प्रदान की। तत्पश्चात रक्त नामक 20वां कल्प में आया, इसमें ब्रह्मा जी का शरीर रक्त वर्ण का हो गया। इस प्रकार ध्यान करते हुए उनके मन में अचानक पुत्र प्राप्ति का विचार आया। उसी समय उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। उसने लाल रंग के कपड़े पहन रखे थे तथा उनके सभी आभूषण और आंखें भी लाल थी। तब उस पुत्र को भगवान शिव का दिया हुआ प्रसाद जानकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान शिव की स्तुति करनी आरम्भ कर दी। उस लाल वस्त्रधारी के विरज, विवाह, विशाख और विश्वभान नाम से चार पुत्र हुए। तत्पश्चात वामदेव भगवान शिव ने ब्रह्मा जी की सृष्टि की रचना करने की आज्ञा प्रदान की। इसके बाद 21वां कल्प आया जिसमें ब्रह्मा जी ने पीले वस्त्र धारण किए। पुत्र कामना का ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी को एक महान तेजस्वी दीर्घ भुजाओं वाला पुत्र प्राप्त हुआ। उस पुत्र को ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि से तत्व पुरुष शिव समझा। तब उन्होंने गायत्री का जाप आरंभ किया। देवी गायत्री एवं शिव कृपा से उस वस्त्रधारी दिव्य कुमार के अनेकों पुत्र हुए। इसके पश्चात शिव नामक कल्प हुआ। इससे ब्रह्मा जी को हजारों वर्षों बाद एक दिव्य कुमार की प्राप्ति हुई। वह बालक काले रंग का था। उसने काले कपड़े, काली पगड़ी और सभी वस्तुएं काले रंग की थी। तब इस अघोर तथा घोर पराक्रमी कृष्ण एवं अद्भुत देवेश को देखकर ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। फिर ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करने लगे। उस कृष्ण बनी कुमार को कृष्ण, कृष्ण शिखा, कृष्णास्य और कृष्ण कंठधारी नाम चार पुत्र उत्पन्न हुए। ये सभी तेजस्वी और शिव स्वरूप थे। उन्होंने ही ब्रह्मा जी द्वारा रची जा रही सृष्टि का विस्तार करने के लिए घोर नामक योग का प्रचार किया। तत्पश्चात परम अद्भुत विश्व स्वरूप नामक कल्प हुआ जिसमें ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से ध्यान मग्न थे। तभी उनके चिंतन से सिंहनाद करने वाली विश्व रूपा सरस्वती प्रकट हुई। साथ ही परमेश्वर और उनके पांचवें अवतार भगवान ईशान भी प्रकट हुए जिसका रंग अष्टभिक के समान उज्ज्वल था और उन्होंने अनेक प्रकार के सुंदर रत्न आभूषण धारण किए हुए थे। तब उन ईशान के जटी, मुंडी, शिखंडी और अर्धमुंडन नामक चार पुत्र हुए। उन बालकों ने भी योग का मार्ग अपनी लिया। इस प्रकार मैंने जगत की हित कामना से भगवान शिव के साधोजात नामक अवतार एवं शिव जी के ईशान, उस घोर, वामदेव और ब्रह्म नामक पांच मूर्तियों के बारे में बताया जो मनुष्य श्रद्धा भाव से भगवान शिव के इस अवतार को सुनता या पढ़ता है
वह इस संसार में सुख भोगकर परम गति को प्राप्त होता है। दोस्तों आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर अच्छा लगा हो और वीडियो को लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक ऐसे रोचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय महादेव।